मैं दी नेहा, जो कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं एक डांस टीचर हूँ और वहाँ पे मेरा एकेडमी चलता है श्री नटराज विद्यालय के नाम से। और मेरे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से मैं 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ईद मिलाप के उपलक्ष्य पे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए लेके आई हूँ। और ये मुझे बहुत बड़ा मंच दिया गया है तेलंगाना NRI'S वेलफेयर एसोसिएशन, जिनके प्रेसिडेंट हैं फिरोज खान सर और जॉइंट सेक्रेटरी है कविता हीरानंदानी मैम, जिनके द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये दोनों ऐसे शख्सियत हैं जो सबसे ज़्यादा इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। वो उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको किसी चीज़ से लेना देना है, ना वो बायस है, ना कुछ है। वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट की वैल्यू करना चाहते हैं और इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी है और इतने ऑनेस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा काइंड हम्बल। ये लोग बहुत अच्छे पर्सनैलिटीज़ हैं और ये लोग इंडियन कल्चर को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। और क्योंकि आजकल कोई भी इंडियन कल्चर की वैल्यू नहीं समझ रहा है, जितने भी हैं वेस्टर्न कल्चर्स हमारे इंडियन सारे वेस्टर्न कल्चर्स को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि गलत तो नहीं है, सारे कल्चर्स होने चाहिए, बट हमारा मेन कल्चर है इंडियन कल्चर। और यहाँ का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी, हमारे जो तेलंगाना का डांस फॉर्म कुचिपुड़ी है। तो ये कुचिपुड़ी डांस को मैं चाहती हूँ कि सारे ऑल ओवर इंडिया में जाने, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने। और इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे जो परफॉर्म करने आए हैं वो कुचिपुड़ी, प्योर कुचिपुड़ी भी करेंगे और काफ़ी सारे डिफरेंट उसमें फ्यूजन्स हम लोगों ने दिखा रहे हैं, जो कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए आई हूँ। जो कि हम लोग कुचिपुड़ी फॉर्म करने वाले हैं और इस कुचिपुड़ी फॉर्म को हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूजन में हम लोग शो करेंगे ये चीज़ को। और ये मैं गारंटी देती हूँ कि सारे पब्लिक और जितने भी आएंगे देखने के लिए, और उन लोग बहुत बहुत खुश होंगे इस प्रोग्राम से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब के सब आए ये प्रोग्राम देखने के लिए, जो ये प्रोग्राम तेलंगाना NRI'S वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उर्दू मस्कान में। और मैं इस बैनर के प्रेसिडेंट मिस्टर फिरोज खान सर, जो कि इनके द्वारा मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और मैं यहाँ तक आई परफॉर्म करने के लिए, और मेरे स्टूडेंट्स भी आए। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स मैं कविता हीरानंदानी मैम को देना चाहती हूँ, जो कि इस बैनर की जॉइंट सेक्रेटरी है। इनके थ्रू ही मैं फिरोज सर से मिली और फिरोज सर आज मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिए कि तुम खुद भी आओ और अपने स्टूडेंट्स को भी परफॉर्मेंस के लिए लेके आओ। और मेरा जो एकेडमी है रायपुर छत्तीसगढ़ में चलता है श्री नटराज विद्यालय उनके नाम से। और अभी मुझे ये एकेडमी ओपन किए हुए 3 ईयर्स हो रहे हैं, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म बहुत सारे जगह कर चुके, बट इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ NRI'S तेलंगाना NRI'S वेलफेयर एसोसिएशन ही दिए। तो इसलिए मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। और कैसे कैसे प्रोग्राम करना है आप लोगों को पता है ना, शिव तांडव स्तोत्र जो हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी को डाउट है? कहाँ पे है? अयुम बच्चों को ना हेलो थोड़ा आगे चले आओ बेटा। प्रिया, सिद्धि, अंकिता, आंचल, पूर्वशी, प्रियांशी, वैष्णवी, ज्ञानेश्वरी, भूमिका, सुप्रिया, निकिता, माही, निहारिका, अरे आज इधर बोलो तो उसे बोलने का, और कविता हीरानंदानी मैम। इन्हों में ले लियो ग्रुप ईसाई सारे ही लोग प्रीस्ट कल आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पंडित जी, मौला साहब, गुरु जी और पास्टर जी भी आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं तेलंगाना NRI'S वेलफेयर एसोसिएशन की मैं एक मेम्बर हूँ। आई एम वेरी वेरी फुल थैंक्सफुल टू माई प्रेसिडेंट सर फिरोज खान सर। थैंक यू वेरी मच सर।
काफ़ी जगह प्रोग्राम्स हुए हैं यहाँ हैदराबाद में दो साल से कर रहे हैं हम लोग ये सारे तो NRI जैसे दुबई जिद्दा में ऐसे प्रोग्राम्स हुए वहाँ पे इंडियन कल्चर के प्रोग्राम्स हुए हैं ताकि वहाँ पे इंडियन कल्चर नहीं भूलना चाहिए उसको आगे बढ़ाना चाहे तो अभी हम हैदराबाद तेलंगाना में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं दो साल से कंटिन्यू हर तीन महीने कोई भी नए टॉपिक लेके हम लोग आके प्रोग्राम कर रहे हैं।